बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। टेक आउट योर सोशल स्टडी बुक विद रफ कॉपी विद ब्लू मार्कर इंक पेन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए थे और इसमें जो है आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी लॉन्ग क्वेश्चन। रिमेनिंग टू लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और जो है हम साथ थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन न्यू चैप्टर की भी करेंगे, ठीक है। ओपन द रफ नोटबुक, दिस इज द रफ नोटबुक, ठीक है। जिस इसी तरह मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, ठीक है, इसी तरह पेज रेडी करना है, डबल मार्जिन लाइन लगानी है। ये जो ब्लू पॉइंटर से मैं लिख रही हूँ, ये आप ब्लैक से, तो ये आप लोगों ने ब्लू मार्कर से लिखना है, और जो ब्लू मार्कर से मैं लिख रही हूँ तो ये आप लोगों ने इंक पेन से लिखना है, ठीक है। और इसी तरह आप लोगों ने साथ साथ अंडरलाइन भी करना है। टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर वन, यानी टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस का क्या मतलब है, इसका आंसर हमने राइट करना है। ये क्वेश्चन मार्क आप लोगों ने लगाना है, ठीक है। और ये जो है आप लोगों ने इसको डबल अंडरलाइन करना है। आंसर लीव वन लाइन। आंसर इंटरडिपेंडेंस इज द रियलेंस और डिपेंडेंस ऑफ टू एंड मोर इंडिविजुअल इन कंट्रीज ऑन ईच अदर। इंटरडिपेंडेंस मीन्स जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, यानी इंसान भी एक दूसरे पे डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंट्रीज की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो है कंट्रीज की बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है एक कंट्री दूसरी कंट्री पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ किसी चीज़ की लाइक राइस हो गया, ठीक है, शुगर केन हो गया, ठीक है, हमारे पास इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ड्राई फ्रूट हो गए, बलूचिस्तान, तो एक्सपोर्ट जो चीज़ें हम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे या चाइना में चीज़ें बनती हैं वो हमें देते हैं, और कुछ चीज़ें यहाँ पे बनती हैं वहाँ पे नहीं है तो यहाँ से लेते हैं। तो इसी तरह एक दूसरे पे डिपेंड करता है, कोई भी जो है अकेला नहीं कर रह सकता, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इज इंटरडिपेंडेंस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। व्हाई इज देयर अ नीड फॉर इंटरडिपेंडेंस, क्यों जो है इंटरडिपेंडेंस की जरूरत है हमें, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इन डबल अंडरलाइन दिस एंड लीव वन लाइन एंड आंसर राइट इट इन अंडरलाइन इट, ठीक है। इसका आंसर जो है क्या है, कंट्रीज डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर डिफरेंट रीजन, एंड हर कंट्रीज जो है कुछ ना कुछ रीजन के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है, तो यहाँ से लोग जो है सऊदीया जाते हैं ना, आप लोगों के रिलेटिव्स गए हैं ना, और इसी तरह इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो जहाँ पे उनको जॉब की फैसिलिटीज मिलती है तो वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। द रिक्वायरमेंट्स जो ज़रूरियात हैं इन नीड्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, यानी सामान इन सर्विसेज, या फिर जो हमारे पास रोज़गार है, ठीक है। तो इसी वजह से या तो सामान की ज़रूरत होती है या फिर हमें जॉब्स की, ऑफ वन कंट्री कैन बी मेट बाय परचेजिंग दिस फॉर्म इन अदर कंट्री, ठीक है, कि हम एक चीज़ जो है परचेज करें, बेच दें, उसके बदले हमें मनी मिल जाए। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है सऊदी अरेबिया है, जो वहाँ पे ऑयल है, ठीक है, तो वो परचेज करते हैं और उसके बदले जो है मनी लेते हैं। तो दिस एवरी कंट्री इज डिपेंडेंट टू अनदर कंट्री, ठीक है। तो डबल फिनिशिंग लाइन लास्ट में लगा दे, तो ये हमारे पास जो है लास्ट टू लॉन्ग क्वेश्चन थे ऑफ चैप्टर नंबर एट चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो गया। कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओपन द बुक पेज नंबर 78, ठीक है। इकोनॉमिक्स मीन्स किफ़ायत शारी, ठीक है, वो इलम जिसमें दौलत की पैदावार या उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, लाइक बैंकिंग, ठीक है, यानी कि बैंक क्या है, उसमें क्या चीज़ें होती है, जैसे बैंक में मनी होती है, ठीक है, उसकी एक्सचेंज होती है, रोज़गार के लिए लोग उसमें सेव करके रखते हैं, ठीक है, सैलरी लोगों की आती है, बैंक से पैसे लेते हैं, वो खर्च करते हैं, तो लाइक बहुत सी चीज़ें कि बैंक कब बना, पैसे कब बने, ठीक है, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और फिर ATM कब आया, ठीक है, हमारे पास, और
क्रेडिट कार्ड कब बना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे। मनी, मनी कहते हैं दौलत को, पैसे। मनी इज़ अ कॉइन इन बैंक नोट दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर प्रोडक्ट्स, यानी ये तब्दील होते हैं पैदावार में, यानी अगर कोई चीज़ कोई बेच दे तो उसके बदले उनको मनी मिलती है। जैसे आप लोगों को पता है ना कि हम जॉब करते हैं टीचर्स, आप हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, तो इसकी बदले जो हमें सैलरी मिलती है तो वो किसके थ्रू मिलती है, बैंक के। तो जैसे आप लोग फीसिस वगैरह बैंक में जमा करते हैं, ठीक है। वी यूज़ मनी एंड थिंग्स दैट कॉस्ट मनी, तो इसको क्या कहते हैं, कॉस्ट मनी। एवरी डे कैन यू थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू हैव यूज्ड एंड डन टूडे विच हैव कॉस्ट मनी, ठीक है। तो ये हम सोच भी क्या सोच सकते हैं कि ये जो मनी है कि हर डे पे कॉस्ट मनी हो। मेक अ लिस्ट एंड एडिट इट इन लेसन प्रोग्रेस, ठीक है। इफ उसके लिए इसके बारे में लिस्ट बना दें और फिर उसका अंदाजा। इज देयर एनी थिंग दैट यू कैन डू फॉर फ्री, कि कौन सी चीज़ जो है वो आपके घर में फ्री आती है, ठीक है। कुछ लोग आप लोग देख ले तो मतलब कौन सी चीज़ है, अगर पानी हमें मिलता है तो उसके उसके लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बदले मोटर से हम पानी पंप अप करते हैं, ठीक है। हर चीज़ के बदले मनी जाती है, तो इसलिए कहते हैं कि कोई चीज़ भी बगैर मनी की नहीं आती। ऑलमोस्ट एवरी थिंग वी डू इन्वॉल्व मनी इन सम वे और इन अदर, ठीक है, कि हर चीज़ में इन्वॉल्व है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, और ये जो है जदीद ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। मनी वॉज इन्वेंटेड लॉन्ग एगो, मनी जो है वो उसमें काफ़ी टाइम लगा है, ठीक है। दिस टाइम लाइन शो सम मेजर डिवेलपमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ मनी, और इस ये जो है हमारे पास मनी की वो पूरी लिस्ट है। लेकिन आज के लिए बस मैंने सिर्फ आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवानी थी कि इकोनॉमिक्स क्या है,